बजे राज्यसभा में पेश होगा कृषि कानूनों की वापसी का बिल, बिना चर्चा के ही होगा पास। लोकसभा में कृषि कानूनों की वापसी का बिल पास, मल्लिकार्जुन खड़गे बोले हम बहस करना चाहते थे। हंगामे के चलते लोकसभा के बाद राज्यसभा की कार्यवाही भी 2 बजे तक स्थगित। एससी का केंद्र के सवाल से दिल्ली में कंस्ट्रक्शन बैन के बावजूद सेंट्रल विस्टा पर चल रहा है काम। आजमगढ़ में लेखपाल और उसकी पत्नी की धारदार हथियार से हत्या, रंजिश हो सकती है वजह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए नजर डालते हैं खास खबरों पर। संसद के शीतकालीन सत्र का आज आगाज हो गया है। वहीं लोकसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि कानून का बिल पेश किया जो पास हो गया है और अब इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। हालांकि लोकसभा में जब तोमर बिल पेश कर रहे थे तब विपक्ष चर्चा की मांग पर हंगामा कर रहा था। इसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही को 2 बजे तक स्थगित कर दिया। कांग्रेस ने एमएसपी की गारंटी पर कानून बनाने और आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की है। वहीं कांग्रेस ने तेल की बढ़ती कीमतों पर भी चर्चा के लिए स्थगित प्रस्ताव दिया है। राज्यसभा में किसानों से जुड़े मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और माकपा के स्थगन प्रस्ताव दिया। संसद का यह सत्र 23 दिसंबर तक चलेगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज बिल पेश किया है जहां संसद के शीतकालीन सत्र का आगाज हुआ है। लोकसभा में कृषि कानून बिल पास किए गए। हम आपको बता दें कि किसान के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की गई है, जहां कांग्रेस ने तेल की बढ़ती कीमतों पर भी चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव दिया है। जहां राज्यसभा में किसानों से जुड़े मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और माकपा ने स्थगन प्रस्ताव दिया है। संसद का यह सत्र 23 दिसंबर तक लगातार चलेगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नितिन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो नितिन, किस तरीके की जानकारी मिल पा रही है, आज सदन में किन बातों पे ज्यादा गौर किया जा रहा है? देखिए, आज से शीतकालीन सत्र जो है उसकी शुरुआत हुई है और लोकसभा में सबसे अहम बात ये थी, क्योंकि कृषि कानून को लेकर जिस तरह से बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे वापस लेने का ऐलान कर दिया था, लेकिन किसान नेताओं की तरफ से ये बात कही गई थी कि जब तक इसे अध्यादेश की तरह सदन में पास नहीं किया जाएगा तब तक हम प्रदर्शन करते रहे। सबसे पहले लोकसभा में इस बिल को पेश किया गया जहां पर काफी हंगामा हुआ, विपक्ष ने सरकार को घेरने की बहुत कोशिश की, बहुत वो हल्ले के बीच में लोकसभा में इस बिल को जो है वो पास कर दिया गया है। अब इसके बाद 2 बजे तक लोकसभा की जो कार्रवाई है वो भी स्थगित कर दी गई है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं श्वेता कि अब से थोड़ी देर बाद हो सकता है कि इसे राज्यसभा में भी पेश किया जाए और उसके बाद इसे राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भी भेजा जा सकता है। किसानों के परिजनों के मुआवजा देने की जी मांग उठाई गई है, इसके लिए अभी क्या बहस चल रही है संसद? देखिए, अभी तक इसको लेकर किसी प्रकार का कोई निर्णय जो है वो सरकार की तरफ से नहीं लिया गया है, लेकिन इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो जो विपक्ष के कई सारे जो नेता है राज्यसभा में, विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहां पर मौजूद है और वो भी कहीं ना कहीं इसका विरोध करने के लिए अभी वो थोड़ी देर पहले मीडिया के सामने आए थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम इस बिल को लेकर विरोध पहले से ही कर रहे थे और अभी भी इसका विरोध करेंगे। दूसरी तरफ राकेश टिकैत जो कि किसान नेता है और जिनकी अगुवाई में एक लंबा समय साल भर से ज्यादा प्रदर्शन के बीच में बीता है किसानों का, तो साफ तौर पर राकेश टिकैत ने इस बात को कहा है कि एमएसपी सबसे अहम मुद्दा है और एमएसपी को लेकर सरकार जब तक कानून नहीं बनाएगी तब तक हमारा प्रदर्शन जो है वो चलता रहेगा। अन्य और कुछ अन्य पार्टियों ने भी अलग अलग स्थगन प्रस्ताव दिए हैं, वो क्या क्या है? देखिए, कई सारे और प्रस्ताव जो हैं वो इस सदन में पेश होने हैं, जिसमें सबसे अहम बात है बिजली को लेकर भी एक प्रस्ताव पेश होना है। इसके अलावा
जो क्रिप्टो करेंसी का जो बिल है उसको लेकर भी चर्चा होनी है, विचार विमर्श होना है। लेकिन आज से शीतकालीन सत्र की जो है वो शुरुआत हुई है, 2 बजे तक अब सदन की जो कार्रवाई है वो स्थगित करी गई है। 2 बजे के बाद जब फिर से कार्रवाई शुरू होती है तो देखना ही होगा कि क्या हंगामेदार कार्रवाई होगी और किन किन मुद्दों पर और चर्चा होगी। श्वेता, ये संसद का जो सत्र है कितने समय तक चलेगा? देखिए, अभी इस पर कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब भी कोई सत्र शुरू होता है इसकी औपचारिक घोषणा शुरुआत की होती है, लेकिन जो खत्म होने का आखिरी दिन होता है उसकी औपचारिक घोषणा नहीं हो पाती है। हालांकि घोषणा करी तो जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसा देखा गया है कि अचानक से शीतकालीन सत्र या फिर इस तरह के जो सत्र होते हैं उन्हें अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया जाता है। तो ये तो नहीं बताया जा सकता कि कब तक ये सत्र चलेगा, लेकिन ये जरूर बताया जा सकता है क्योंकि उत्तर प्रदेश के साथ साथ 5 राज्यों में चुनाव है और नाराजगी सरकार के खिलाफ बहुत से लोगों में है, विपक्ष पूरी तरह से घेरने को तैयार है, तो ये सत्र जो है ये हंगामेदार होने वाला है। जिस तरीके से अभी एक अमूमन एक तारीख दी गई है 23 दिसंबर, तो क्या ये सत्र उसके बाद भी चल सकता है? अब बिल्कुल साफ तौर पर अगर सरकार एक तारीख इसका समय दिया गया हुआ है 1 दिसंबर, लेकिन ये भी हो सकता है कि 1 दिसंबर से पहले से स्थगित करके खत्म कर दिया जाए अनिश्चितकालीन के लिए, या ये भी हो सकता है कि 1 दिसंबर के बाद भी से बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ऐसा कई बार देखा गया है कि जब जब सत्र चले हैं तो उन सत्रों की समय जो सीमा जो है वो भी बढ़ाई गई और घटाई भी गई है। तो ये कह पाना अभी मुश्किल है कि सीमा बढ़ाई जाएगी घटाई जाएगी, लेकिन अभी 1 तारीख निर्धारित है, देखना ये होगा कि कितना हंगामेदारी सत्र होने वाला है। फिलहाल आज जो पहले दिन की कार्रवाई थी वो काफी कुछ हंगामे के बीच बीती है और सरकार कृषि बिल को लोकसभा में पास करवाने के लिए उसने पास करवा दिया है, लोकसभा बिल को रोकने के लिए जो अध्यादेश आया उसे। इस सदन में कौन कौन से दल के नेता, कौन कौन से दलों के नेता वहां पर मौजूद हैं? देखिए, लोकसभा है श्वेता, और साफ तौर पर इसमें जितने भी विपक्ष के नेता जो लोकसभा के सांसद हैं अलग अलग राज्यों से, वो सारे यहाँ पर मौजूद हैं। अलग अलग लोकसभा सीट से जो सांसद होते हैं वो सब मौजूद हैं इस सत्र में, और सब कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से जो अध्यादेश पेश किया गया है कृषि कानून को रोकने के लिए, उसे रद्द करने के लिए या फिर उस पर रोक लगाने के लिए, उसको लेकर सरकार का विरोध करते हुए नजर आए थे। दूसरी चीज, MSP को लेकर कानून क्यों नहीं बन रहा है, MSP को लेकर अध्यादेश क्यों नहीं बन रहा है, इसको लेकर भी सरकार से सवाल पूछते हुए ये लोग नजर आए हैं। तो लगभग सभी सांसद जो है वो इस सत्र में मौजूद है और हंगामेदार सत्र इस वक्त चल रहा है। 2 बजे तक स्थगित किया गया है, देखना ही होगा कि 2 बजे के बाद की कार्रवाई कैसी होती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। संसद में आज कृषि बिल वापसी लेने पर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव इमरान मसूद ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इमरान मसूद ने कहा कि बिल वापस लेने पर हम प्रधानमंत्री के फैसले का स्वागत करते हैं, इसके अलावा अब सरकार को MSP के बारे में भी सोचना होगा। वहीं इमरान मसूद ने भाजपा द्वारा निकाली जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि ट्रैक्टर पर बैठकर किसानों की समस्याओं को दूर नहीं किया जा सकता। देर आए दुरुस्त आए, प्रधानमंत्री जी को ये एहसास हुआ कि उन्होंने गलत फैसला किया है, उन्होंने वापस लेने का निर्णय लिया, इसका स्वागत है। और MSP के ऊपर कानून बनाएंगे, इसकी उम्मीद है कि देश के किसानों के लिए इसी प्रकार से जैसा उन्होंने निर्णय लिया है वो देश के लोगों के लिए सोचते हुए कि किसानों की खुशहाली, किसानों की तरक्की, ये जो काले कानून ला करके उन्होंने रोकने का काम किया था। औरैया के अरवाकटा थाना क्षेत्र में उमरैन के पास से निकले आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हाईवे पर बिहार से हरियाणा जा रही कार ने खड़े कंटेनर के पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें एक ही परिवार के 2 युवक और 1 महिला और 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं सूचना पर पहुंचे अरवाकटा थाना अध्यक्ष नवीन कुमार ने घायलों को तत्काल एम्बुलेंस से मिनी PGI सैफई भेजा गया है। खबर औरैया से है, जहां हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है, जहां हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे पर बिहार से हरियाणा जा रही कार ने खड़े कंटेनर में पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें एक ही परिवार के 2 युवक, 1 महिला और 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं सूचना पर पहुंचे अरवाकटा थाना अध्यक्ष नवीन कुमार ने घायलों को तत्काल एम्बुलेंस से मिनी PGI सैफई भेजा है। आजमगढ़ जिले में डबल मर्डर से हड़कंप मच गया है। दरअसल एक गांव में लेखपाल और उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई। सुबह जानकारी होते ही गांव में हड़कंप मच गया, जहां कई थानों की पुलिस, एक साथ ही पुलिस विभाग के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए।
शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम में भेजने की तैयारी में पुलिस जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार तरवा थाना क्षेत्र के तीथोपुर गांव में रहने वाले राम नगीना चकबंदी विभाग में बतौर लेखपाल तैनात था। बता दें कि इस घटना के दौरान बदमाश घर में घुस आए और दंपत्ति की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दिया। परिजनों व ग्रामीणों को इस घटना की जानकारी सुबह हुई। दोहरे हत्याकांड से गांव में हलचल मच गया है और वहीं मौके पर पहुंचे आला अधिकारी और पुलिस जांच की कवायद में टीम जुटी हुई है। शुरुआती जानकारी में पता चला है कि लेखपाल मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद तहसील के अंतर्गत चिरैया कोट के किसी गांव में कार्यरत था और वहां पर चकबंदी का काम चल रहा था। इसके अलावा उसने जो गांव में घर बनाया था वह गांव से थोड़ा सा हटके सड़क की तरह बनवाया था। यहां पर आबादी नहीं के बराबर थी जिस पर कार दोनों को बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस इस घटना की जांच कर रही है जहां बताया जा रहा है कि लूटपाट के नियत से या फिर चकबंदी के किसी विवाद के नियत से हत्या हो सकती है। क्या कहना चाहते हैं? थाना तरवा में पिठौरपुर गांव में आज सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि पति पत्नी जिनकी एज लगभग 55 साल और 50 साल के आसपास की है उनकी धारदार हथियार से गले पर वार कर और सर पर वार कर हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है, सभी उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। मेरे द्वारा मौका मुआयना किया गया, फील्ड यूनिट ने एविडेंस कलेक्शन किया है, डॉग स्क्वाड ने एविडेंस कलेक्शन किया है, परिजनों से बातचीत की गई है, उनके द्वारा अज्ञात के विरुद्ध तहरीर दी गई है जिस पर पुलिस के द्वारा एफआईआर पंजीकृत की जा रही है और सभी जितने भी एंगल जिसमें पॉसिबल है उनके ऊपर पुलिस काम कर रही है। घटनास्थल के निरीक्षण से स्पष्ट है कि क्योंकि अर्धनिर्मित मकान है जिसमें रात के टाइम रहते थे उसी में घटना कारित की गई है, तो कोई जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो राकेश, किस तरीके की जानकारी मिल पा रही है, क्या कुछ हादसा हुआ है वहां पर? करके तरवा अंतर्गत में यह रात पति पत्नी सोए हुए थे जिससे धारदार हथियारों से आज उनकी हत्या कर दी गई है और सुबह सूचना मिलने पर तत्काल प्रभाव से जिले के आला अधिकारी घटनास्थल पहुंचे और जांच की जा रही है और बहुत जल्द इस घटना का खुलासा करने की बात कही पुलिस अधीक्षक आजम करते हैं। हत्या करने का क्या मामला बताया जा रहा है, क्या किसी पुरानी रंजिश के चलते ये हत्या की गई है? इसमें मैंने कुछ लोगों से मैंने बात करने किया है, उन पता चला कि इसमें कुछ जमीनी कुछ मामला उसमें था जिसमें पाल को लेकर कुछ पुरानी जो रंजिश थी उसी में इनको हत्या की गई है। अभी घटना का भी घटना खुलासा भी नहीं हो पाया, बहुत जल्द घटना खुलासा हो रहा है जी। और जिस तरीके से अभी हत्या का मामला सामने आया है, क्या इसमें किसी अपराधी का नाम सामने आया है, किसने की है इनकी हत्या? अभी ऐसा कुछ कप्तान आजमगढ़ के उन्होंने बताया नहीं है, लेकिन यह है कि इसमें कप्तान ने आजम इसमें टीम गठित कर दी गई है और जांच इसमें की जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। सहारनपुर के थाना जनकपुर क्षेत्र की राधा विहार कॉलोनी में उस समय हंगामा मच गया जब बारात लेकर पहुंचे एक व्यक्ति की पहली पत्नी ने मौके पर पहुंचकर हंगामा खड़ा कर दिया। आपको बता दें कि युवती अपने परिवारजनों के साथ अपने पति की दूसरी शादी करने से रोकने पहुंची थी, जिसके बाद युवती ने थाने में पहुंचकर अपने पति के खिलाफ तहरीर दी। वहीं इसके बाद पुलिस युवती के साथ लेकर शादी स्थल पहुंची और मौके से दूल्हे को अपने साथ थाने ले जाकर ले आई। वहीं पहली और दूसरी पत्नी के परिजन और दूल्हा पक्ष के लोग भी थाने पहुंचे, जिसके बाद घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। सर, इस लड़के ने मुझसे शादी की 2 साल पहले। क्या नाम है लड़के का? निशांत काम्बोज। मैं राखी वाल्मीकि। क्या हुआ अब? सर, इसने अब शादी करने जा रहा था, ये मैंने इसे मौके पे ही धर लिया। मैं पुलिस ले गई, पुलिस से यहाँ पे लेके आ गई। थाना जनकपुरी में कल एक मामला आया था जिसमें एक लड़की ने थाने पर आकर एक प्रार्थना पत्र दिया कि एक लड़का जिसकी उससे 2 वर्ष पहले शादी हो चुकी है, शादीशुदा है, और वो लड़का आज उसको सूचना मिली कि दूसरी शादी किसी लड़की से कर रहा है। इस सूचना को जब चेक किया गया तो पाया गया कि यह बात सही थी, वो दूसरी शादी करने जा रहा था, दूल्हे के ड्रेस में था। तत्काल उसको शादी रुकवाई गई, लड़के को हिरासत में लिया गया।
फरुखाबाद क्षेत्र के चांदपुर में दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। दबंगों को पुलिस का कोई खौफ नहीं बचा। बता दें कि पुलिस द्वारा दबंगों की गाली गलौज करने से मना किया गया था, तो दबंगों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। दबंगों ने घर में घुसकर परिजनों के साथ मारपीट की गई और वहीं धारदार हथियार से हमला भी किया। घायलों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करा दिया है। खबर फरुखाबाद से है, जहां दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, जहां पर पुलिस का भी खौफ दबंगों में नहीं रह गया है। जहां पुलिस विरोध करती है तो दबंग पुलिस के साथ ही हाथापाई कर बैठते हैं। वहीं दबंगों ने एक घर में घुसकर घर के लोगों के साथ मारपीट की गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुंदरम फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो सुंदरम, किस तरीके का माहौल देखा जा रहा है, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि फरुखाबाद में दबंगों के हौसले बुलंद चल रहे हैं, तो किस तरीके के हौसले बुलंद चल रहे हैं और क्या कुछ कार्रवाई कर रहे हैं, किस तरीके की वारदात वो लगातार करते जा रहे हैं? जी, जो महिला के साथ मारपीट का जो मामला है, शहर कोतवाली फरुखाबाद के चांदपुर क्षेत्र का है और ये कोई नई घटना नहीं। यहाँ पर लगातार मारपीट की, घर में घुस के महिलाओं को मारपीट करने की घटनाएं सामने आ रही हैं और इसी में गाली गलौज करने से इस महिला ने मना किया था और दबंगों ने इसको घर में घुस के इसके परिजनों के साथ मारपीट की। ये किसी तरह महिला अपनी जान बचाकर भागकर कोतवाली पहुंची थी और एक तरीके समझ सकते हैं पुलिस प्रशासन का बिल्कुल खौफ नहीं रह गया है। और उसके बाद पुलिस विभाग के द्वारा इनको मेडिकल के लिए जिला अस्पताल में भेजा गया था और विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। सुंदरम, जिस तरीके से बोला जा रहा है कि लगातार दबंगों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, तो ये आज पहली घटना नहीं होगी, और भी पहले इस तरीके की घटनाएं हो चुकी होंगी, उसके चलते अभी तक इस पे कोई फैसला क्यों नहीं लिया गया? जी, अभी तक बहुत सारी घटनाएं लगातार होती रहती हैं, पुलिस प्रशासन इस पे जो न्याय उचित कार्रवाई करता है लेकिन कोई बड़ा एक्शन नहीं होता है। एक तरीके से बड़ा एक्शन होना चाहिए कि जो कि गुंडों के लिए, जो दबंग है उनके लिए एक सबक बनना चाहिए। इस तरीके की कोई बड़ी कार्रवाई अभी तक जो जिला प्रशासन है उसके द्वारा नहीं अभी तक संज्ञान में आई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुंदरम हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। गोरखपुर दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवाश्रम में जनता दर्शन के 225 फरियादियों की समस्याएं सुनी। संबंधित अधिकारियों के साथ समस्याओं के समाधान के लिए निर्देशित भी करते हुए जनता दर्शन में सबसे ज्यादा मामले पुलिस और राजस्व विभाग से संबंधित पहुंचे। समस्या लेकर आए लोगों में महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक एक कर फरियादियों के पास स्वयं पहुंचे और उनकी लिखित शिकायत पत्र को लेकर समस्याओं को जाना। शाहजहांपुर के जलालाबाद मिर्जापुर के बीच रामगंगा और बहुगुणम नदी में बना पुल करीब एक दशक पहले बसपा के शासन में बनाया था, जो कि अचानक क्षतिग्रस्त हो जाने से आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। देर रात हुए हादसे से किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई है। वहीं मौके पर कलान एसडीएम के घटनास्थल का निरीक्षण किया और रूट डायवर्जन करके वाहनों के यातायात को बंद कर दिया है। खबर आजमगढ़ से है, जहां पर मेहनगर कस्बे का पलहना मार्ग पर तहसील के पास दो मंजिला मकान धराशायी हो गया है, जो समय रहते ही स्थानीय लोगों और प्रशासन की सूझबूझ से एक बड़े हादसे से बचने के लिए कई मकान खाली करा लिया गया था, जिससे बड़ा हादसा टल गया और प्रशासन ने राहत की सांस ली है। प्रभात बिल्डिंग मटेरियल का भवन अपने स्थान से नींव खोदे जाने वाली जगह की तरफ झुकने लगा और देखते ही देखते अफरा तफरी मच गई। इसकी सूचना तहसील प्रशासन और स्थानीय थाना को दी गई। मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार शैलेंद्र सिंह ने आसपास के रहने वाले सभी लोगों से मकान खाली करा दिया और इसी बीच अचानक दो मंजिला व्यावसायिक भवन भरभरा कर गिर गया। दोनों पक्षों के लोगों के साथ आपसी सहमति से नुकसान की भरपाई की बात चल रही है। वहीं भवन धराशायी होने से प्रभात दुबे का व्यवसाय के साथ साथ करोड़ों रुपए का नुकसान होने से दुखी दिखाई दिए हैं। प्राइम टीवी के इन खास खबरों में बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।